सबसे पहले मैं नए वर्ष की तमाम मुंबई के लोगों को, रहवासियों को शुभकामना देता हूं नए साल की। उसी तरह हमारे इलाके के और आज के मुंबई अध्यक्ष माजी खासदार श्री एकनाथ जी गायकवाड़ साहब, इनका आज जन्मोत्सव है। आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे पूरे मुंबई के कार्यकर्ताओं की तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे मौके पर हमने आज एक जो महाराष्ट्र में मुंबई में साइन कोलोड़ा विधानसभा में जो एक लड़की थी मेरी नायडू, वो मेरी नायडू 11 मिलियन में महाराष्ट्र में ऑल ओवर इंडिया में पहली आई थी, जिसका सत्कार नरेंद्र मोदी जी ने फुटबॉल देके किया था। ऐसी मेरी नायडू जो फुटपाथ पर रहकर दिन गुजार रही थी, उसको घर नहीं था, रहने के लिए घर नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, ऐसी अवस्था में वो रहती थी, पूरा मतलब बहुत तकलीफ़ की ज़िंदगी जी रही थी। ऐसे मौके पर हम गायकवाड़ साहब के जन्मदिन पे जो खर्चा करने वाले थे, वो खर्चा निकाल कर हमने उस मेरी नायडू को गायकवाड़ साहब के हाथ से फुटबॉल दिया और उनके पूरा घर परिवार चलाने के लिए हमने जो खर्चा दिया है। इस तरीके से समाज सेवा करने का काम मुंबई कांग्रेस के नेतृत्व में, गायकवाड़ साहब के नेतृत्व में, गायकवाड़ साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने किया है। वर्षाताई कैबिनेट मिनिस्टर हुई, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। हमारे पूरे मुंबई में एक अच्छा वातावरण है कि हमारी ताई मुंबई में एक कैबिनेट मिनिस्टर बनी। जो काम जो बचे रुके हुए थे, सब काम अभी रास्ते लग जाएंगे, मार्गी लगेंगे, ऐसे आशा करते हैं। और ताई को हम विश करते हैं, पूरे मुंबई में खुशी का माहौल है ताई के मिनिस्टर मिलने के उपलक्ष्य में। आज का दिन हमारे लिए दो खुशियां लेके आता है हमेशा, ख़ास करके हम धारावी वालों के लिए तो और एक बड़ी बात ये रहती है कि हर साल जनवरी, पहला जनवरी जब आता है तो साल का नया दिन भी होता है। और हमारे यहाँ के सीनियर मोस्ट और मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष, माजी मंत्री, माजी खासदार, जितने भी पोस्ट लगाई जाएँ सबके नाम पे कम हैं, क्योंकि उनका अनुभव और उनके तजुर्बे के हिसाब से एक बहुत सीनियर मोस्ट लीडर है हमारे मुंबई में। और हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हम सबको उनकी गाइडलाइंस पे काम करने को मौका मिला है। हम सारे लोग उनको आने वाले अच्छी सेहत के लिए दुआ करते हैं हम सारे लोग, और बार बार उनकी ज़िंदगी में ये दिन बार बार दिखाए उसके लिए हम उनको शुभकामनाएँ देते हैं। खाली धारावी के लिए नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लिए जो खुशी की बात है कि एक ऐसा लीडर हमें मिला है, और वो भी कैबिनेट में हमारा एक ऐसा लीडर गया है जो अच्छी तरीके से राजनीति के बारे में जानना, और जिसको नेशनल लेवल पे जो जानकारी हो। मैडम बहुत सालों से राहुल जी की टीम में काम कर रही हैं, दूसरा उन्होंने मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली बहुत सारी जगहों पे इलेक्शन करके वहाँ पे सरकारें लाने के प्रयास किए हैं। जहाँ जहाँ भी उन्होंने अपने काम किए हैं वहाँ पे उनकी मेहनत की वजह से ही शायद वहाँ पे ये दिन देखने को मिलता है कि वहाँ सरकारें बनती हैं। और ये बहुत अच्छा मौका है कि इस टाइम भी मैडम को कैबिनेट में जगह मिली है। हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद नहीं बल्कि हमारा ऐसा भरोसा है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के लिए जो भी मैडम को जिम्मेदारी मिलेगी उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे, और लोगों को जो उम्मीदें हैं उससे कहीं ज़्यादा वो काम करने वाले हैं। और ख़ास करके हमारे धारावी करों को तो एक बहुत अच्छा खुशी का मौका है कि ये हमको मिला है कि आज मैडम मंत्री बनी है और हमारे सारे धारावी कर खुश हैं, हमारे घर में खुशी का माहौल है पूरे धारावी में आज का दिन। और आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि धारावी के जो भी प्रॉब्लम है, महाराष्ट्र के जो भी प्रॉब्लम है, मैडम के थ्रू सॉल्व होंगे।